हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक बेहतरीन एक्चुअली हम डेली के डेली कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते हैं पर्टिकुलर लिस्ट अगर बात करें कल बनाई थी फोर स्टॉक्स की लिस्ट अगर बात करें इससे पहले ट्वेंटी जिनमें से आज की डेट तक काफी सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं तो इस चीज को देखिए और हम यहाँ पर रिजल्ट भी देख रहे हैं रिजल्ट भी देखिए और एक स्टॉक आपको ऐसा बताया जिस जो आपको अच्छा खासा है यहाँ पर अच्छा एंजल ब्रोकिंग से भी अच्छे रिटर्न दे सकता है एज वेल एज अगर बात करें यहां पर प्राइजिंग बताया था वो आज पांच परसेंट भागा यहाँ पर चार विक्स स्टॉक से रिलेटेड तो इसी तरीके से आज दोबारा यहाँ पर आपको पांच

उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे एज एज वेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि किसी का ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहां पर प्ले आपके लिए बना रखिये प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए ओके तीन वीडियो तीन प्ले है एक एक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक को एनालाइज करके अच्छे खासे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और अच्छे खासे गेन विदाउट रिस्क या फिर लो रिस्क हाई रिटर्न

दोबारा थर्टी वन पे आ गया है यहाँ पर थोड़ा सा डेट दिखाई दे रहा है वन पॉइंट जीरो टू परसेंट का बट कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट कंपनी है इलेवन का आरओसी है बट इस शेयर को बताने के पीछे रीजन क्या है दो रीजन है एक टेक्निकल रीजन है एक फंडामेंटल रीजन है फंडामेंटल की बात करें तो इसके जो बैलेंस शीट है इसमें हाइएस्ट एवर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आया पांच हजार पांच सौ अठहत्तर इवन इफ यहाँ पर रेलवे uh, एक पूरी स्टॉप थी बट यहाँ आरबीएनएल काम कर रहा था पीछे से बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की यहाँ पर तीन सौ तेरह करोड़ का नेट प्रॉफिट है हाईएस्ट एवर है प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर बात करें तो वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर सॉरी रेवेन्यू एज वेल एज बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट एवर है तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे जब यहाँ पर ऐसे नंबर आने लग जाए तो समझ लीजिएगा यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ये शेयर भागने

यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसके रिमूव कर दे तो ये शेयर देखिए अभी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर शायद 50 डीएमए के आसपास पास आके मुड़ सकता है तो यहाँ पर 50 डीएमए पे आ जाए तो भूल मत करिएगा कि और गिरेगा और गिरेगा क्योंकि और नहीं गिरने वाला है यहाँ से ये यह रिटर्न हो लेगा ओके यहाँ पर एक आध दो महीने में यहाँ पर अभी इसके रिजल्ट आए थे तो फिर दोबारा यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं फर्स्ट क्वार्टर के तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है एक कप बनता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद एक यहाँ पर हैंडल बनेगा और जब ये हैंडल यहाँ पर बनेगा तो देखिए एक रिटर्न तो यही होगा पर जो रिटर्न जो जो आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिटर्न तो यही हो गए जो लगभग लगभग नाइन टेन परसेंट हो गए और फिर इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे जो रिटर्न हमें इस चार्ट पैटर्न के थ्रू बनते हुए नजर आ रहे हैं वो है ये जो कि अगर हम यहाँ पर देखें चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ पर अगर हम इसे उठा के रख दे तो लगभग फोर्टी रुपीज के आसपास का यहाँ पर रिटर्न फोर्टी फोर्टी वन के आसपास के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वही फोर्टी टू रुपीज के आसपास के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं तो एनालिस्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे शेयर की तो दूसरे शेयर का नाम इसी रेलवे ऐसे स्टॉक से रिलेटेड है रेलटेल अभी यहाँ पर आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया और जितने भी आईपीओ आए हैं सारे के सारे शेयर यहां पर ऑलरेडी भागते हुए दिखाई दिए ये दे शेयर कभी भी आपके पैसे को डबल कर सकता है तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा डेट की बात करें दो परसेंट का डेट है आर ओसी है और अगर बात करें यहाँ पर मार्केट कैप चार करोड़ रुपए का स्मॉल कैप कंपनी है गवर्नमेंट की कंपनी है रेलवे रिलेटेड कंपनी है और इसका काम क्या है इसका काम है नेटवर्क लगाना इस तरीके से वाईफाई से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है

जो कि आपको हमेशा बताते हैं बाकी यहाँ पर एक हैंडल बन रहा है और जब ये यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा तो एक बेहतरीन रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे जो कि आपको अच्छे खासे इसका जो हाईएस्ट ले, लेवल है जहाँ पर आई जहां से ये रिटर्न हुआ था फिफ्टी टू भी खाई वहां वहाँ पर तो जाएगा ही जाएगा उससे ज्यादा भी जाएगा तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इससे रिलेटेड तो ये शेयर का प्राइस कितना आ रहा है इसका टारगेट दो सौ बाईस रुपए यहाँ पर टारगेट आ रहा है तो अगर हम बात करें दो सौ बाईस यहाँ पर मिलना ही मिलना है इसके अलावा अगर हम देखते हैं कुछ और चीजों की तो यहाँ से देखें तो देखिए ये थर्टीन परसेंट के तो यहाँ पर हो गए जो अभी यहाँ से रिट्रेस हुआ था यहाँ पर नीचे आया था इसके अलावा दूसरा टारगेट यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर इसने ऑल टाइम यहाँ हाई बनाया था अभी लगभग तीस परसेंट और फिर इसके बाद यहाँ पर शेयर जब जाता हुआ दिखाई देगा तो लगभग लगभग कितने फिफ्टी परसेंट के आसपास के यहाँ पर रिटर्न हो रहा है तो ये काफी अच्छे रिटर्न है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा तीसरा दूसरा शेयर इसके अलावा एक और शेयर दिग्गज शेयर इसी से इसी उससे है आई आर जिसे हम कहते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉपोरेशन ये जितने भी रेलवे के काम होते हैं तो उसे यहाँ पर बोरिंग देता हुआ नजर आता है बात करें यहाँ पर मार्केट uh, कैप अच्छा खासा है आर ओ सी फाइव परसेंट की है इतनी होती है यहाँ पर फाइनेंस कंपनी की ओके और यहां पर काफी अच्छा है और बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है मेन बात सत्ताईस रुपए की बुक वैल्यू है इंट्रेंसिक वैल्यू फिफ्टी थ्री है और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री पे यहाँ पर शेयर चल रहा है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा मेरे पास ऑलरेडी है और जब जब नीचे आ रहा है आई एम बाइंग आई एम बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक यहां पर बात करें ए

बुन रहा है अपने आपको इंडिया में कि ये आ, आगे चल के और भी ज्यादा ग्रो करता हुआ दिखाई देगा रिजर्व्स अच्छे खासे हैं ओके बोलेंगे हम देखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ फाइनेंस का ही काम है इसमें और बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 86 परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर अभी गवर्नमेंट की है बीच में कभी भी ओ आ सकता है फ की बात एफ की बात करें पॉइंट परसेंट की बात करें थ्री परसेंट थोड़ी सी यहाँ पर हिस्सेदारी कम करिए और पब्लिक के पास 9 परसेंट की है और ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत करिएगा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और एक यहां पर भी तो यहां पर भी देखिए एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न हुआ नजर आ रहा है ऑलरेडी अगर मैं तो पर हम देख सकते हैं पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर, यहां पर एक कप बना कप बनाने के बाद पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर आप देख

सेकंड लास्ट है यहाँ पर डेन नेटवर्क डेन नेटवर्क की अगर बात करें, लोग कहते है नहीं अच्छा, शेयर, नहीं, अच्छा, शेयर नहीं, अच्छा शेयर है फिफ्टी एट oh, तो यहाँ पर नीचे शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल चेंज हो गई है कंपनी इस चीज को याद रखिएगा बाकी यहां पर सेल्स की बात करें पिछले तीन क्वार्टर में हाइस्ट है प्रॉफिट की बात करें पिछले

2019 उन्नीस बात करें लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी दोनों कंपनी के ऊपर उन दोनों कंपनी से रिलेटेड आज बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें दो पर नेगेटिव नेगेटिव रिटर्न आ रहे थे बट जैसे ही किसके हाथ में आई है कंपनी जियो के तो उन्होंने बिल्कुल कंपनी का मॉड्यूल चेंज कर दिया इसका पूरा रीस्ट्रक्चर कर दिया तो इसकी वजह से यहां पर कंपनी अच्छी खासी यहां पर दिखाई दे रही है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा की इसके मालिक है याद रखिएगा और पब्लिक के पास थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है तो यहां पर अच्छा खासा ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है

ओके okay, लबल अब यहाँ पर देखिए ये रहा लगभग कितने नब्बे रुपए के आसपास के टारगेट आ रहे हैं तो ये पहले तो नब्बे तो दूर की बात है पहले यहाँ पर देखते सिक्सटी फाइव रुपीज के भी टारगेट गए अच्छी बात है फोर्टी टू रुपीज पर जब शेयर था आपको बताया था अच्छे खास यहाँ पर गेन होते हुए नजर आ रहे हैं तो इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखिएगा इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें तो एक और शेयर हैथवे है है केबल यहाँ पर अगर बात करें हेथवे केवल सेम सीने यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है ओके यहाँ पर मार्केट कैप चार हजार सात सौ अट्ठासी करोड़ का स्मॉल कैप है बुक वैल्यू बाईस है करंट प्राइस सत्ताईस है कोई इशू नहीं है बट अगर हम बात

और अगर हम बात करें और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर इसके अगर टेक्निकल के बेस पे अगर हम बात करते हैं टेक्निकल में भी यहाँ पर टारगेट अच्छे खासे टारगेट छोटा सा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दो तीन चार चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक चार्ट पैटर्न यहाँ बन रहा है यहाँ पर से देख लीजिए एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा छोटा सा चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है एक, एक कप बना फिर इसके बाद हैंडल बना तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर भी गेन मिलता हुआ नजर आएगा छोटे से चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने गेन नजर आएंगे तो वो भी आप देख लीजिए तो अगर हम यहाँ पर से इसे उठाते हैं तो थर्टीन परसेंट यहाँ पर और यहाँ पर इसे लगा देते हैं तो ये शेयर इकतीस बत्तीस बट यहाँ पर इकतीस बत्तीस पे बेचने वाला शेयर नहीं है ये बेचने वाला शेयर है 55 पे और 60 के आसपास जब ये शेयर जाएगा तो जितना डिप्स पे मिले यहाँ पर शेयर को इकट्ठे कर दें और यहाँ एक साथ यहाँ पर अभी आज जब इसके रिजल्ट आएंगे एक बार देखेंगे और जितना गिर रहा है उसे ऑन डिप्स कर सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करनी है और जब वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ये पांच दिग्गज स्टॉक थे इनकी तरफ नजरें बनानी है आपको अच्छा खासा पैसा देते हुए नजर आएंगे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस